आपका अपने चैनल स्टडी मैथ नंबर वन में पुनः स्वागत है। मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज आपको सिखाऊंगा कि कोई समीकरण दिया हो तो वह द्विघात समीकरण है या नहीं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। इस तरह के मैथ को पूरा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ मैथ के वीडियो मिलते हैं। अभी तक मैं इस चैनल पर क्लास वन से लेकर नाइन्थ क्लास तक टोटल मैथ का वीडियो मैं बना कर रख दिया हूँ। आप उसको देखिए, सीखिए, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको कमेंट करिए ताकि मैं उसकी जो है कमी को पूरा कर सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सवाल देखिए कि द्विघात समीकरण की जांच कैसे करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण की जांच कैसे करें। एक सवाल देखिए, x प्लस वन इसका होल स्क्वायर 2 × x − 3, इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको गुणा करिए, 2x 2 × 3 = 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस प्लस है 2ab बराबर, इसको 2 से गुणा कर दिया। अब इसको करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 2 बार करेंगे तो एक ही होगा, और ये 2x गुणा, और ये होगा 2x − 6। अब इसको इधर उठा कर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x − 2x प्लस 6 बराबर 0। ये प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 6 कितना होगा 7 बराबर 0। तो लिख देंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, क्योंकि इसका घात 2 है तो इस रूप में है। भले इसमें b वाला नहीं है तो क्या है, c वाला है, लेकिन इसी रूप में है। तो इसलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 × x − 3, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इस तरीका से कोई भी समीकरण दिया हो आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन सब्सक्राइब